राजकीय महाविद्यालय इंदौर में 3 दिवसीय इंटर महाविद्यालय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के लगभग सभी महाविद्यालयों ने भाग लिया, जिसमें निदेशक खेल एवं युवा कार्यक्रम सुरेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में राजकीय महाविद्यालय सोलन ओवरऑल चैंपियन रहा और राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं पुरुष वर्ग में राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर ओवरऑल विजेता और एफटी कॉलेज मंडियानी दूसरे स्थान पर रहा। मुख्य अतिथि सुरेंद्र शर्मा ने सभी विजेता और उपविजेता रहे प्रतिभागियों को मेडल और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी युवाओं से नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती एक पारंपरिक खेल है, जिसके लिए ज्यादा स्थान के साथ अत्यधिक खर्च की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और ऐसे खेलों में ज्यादा दिलचस्पी लेने की जरूरत है, ताकि नशे जैसी बढ़ती प्रवृत्ति से बचा जा सके। पीढ़ी को अगर नशे की गर्त में जाने से हमने रोकना है, तो ऐसे ऐसे इवेंट्स जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जिसके लिए ज्यादा स्थान नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बच्चा गांव में, घर में, मोहल्ले में इन खेलों की प्रैक्टिस करके और इनमें अपना नाम कमा सकता है, और वो नशे में जाने से जो समय उसने नशे में जाके बर्बाद करना है, वो इन खेलों की तैयारी में अगर लगाता है तो इससे मतलब कि बच्चों में नशे की प्रवृत्ति कम होगी।